भाई मिलने सही बोल दे बहुत भाई 5000 रुपए दिए भाई भाई उसका हस्बैंड है हस्बैंड वाइफ है भाई ने बताया नहीं ना भाई मेरे को भाई इसका हस्बैंड है नहीं बताया नहीं भाई नहीं बताया था मैडम बोलो ये रुको क्या हस्बैंड है तेरा क्या ये क्या कर क्या रिया यहां तुम्हें ठीक है कैसा है वीर कैसा है बताना कैसा है बताओ कैसा जंगल में कर क्या कैसा है यहाँ क्या जंगल में कर क्या भाई मार का चरा भाई मार का चरा भाई रुक स्वागत है आपका हमारे चैनल आरवी रॉक स्टाइल पे। मैं हूं राहुल वर्मा, जैसे गाइस आप मुझे जानते हैं और गाइस इन्हें तो आप जानते हैं एसआरवी प्रैंक से सरफराज और गाइस आप मेरा नाम लक्की भैया लक्की है इनका नाम और गाइस ये पंजाब के रहने वाले हैं यहाँ हैं तो इन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई इन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाया गाइस इनका केस है वाइफ का अगेन आज कोई एक्सपोज आज एक्सपोज वीडियो कोई प्रैंक वीडियो नहीं है जैसे अगेन रोज होता है तो वाइफ का केस है इन्होंने मुझे बुलाया कि इनकी वाइफ यहाँ पर आई इनकी वाइफ का पीछा करते हुए यहाँ पर आए इन्होंने मुझे एक हफ्ते पहले बताया कि भाई मुझे वाइफ को एक्सपोज करवाना मेरी वाइफ गलत है तो बोला मैं जब सबूत होगा मैं तब बुलाऊंगा तो इन्होंने मुझे बुलाया मैं भाग कर यहाँ पर आया और सरफराज को लेकर आया और वहाँ पे कहीं पे हैं या हमें लेके जाएंगे पहले पहले पूरी दिक्कत बताओ दिक्कत परेशानी क्या है कब शादी हुई क्या दिक्कत है 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी हम पंजाब से यहाँ पर दिल्ली में शिफ्ट हो चुके हैं मुझे बहुत टाइम पहले से लग रहा था इसका 12 अफेयर वगैरह है तो मैंने 2-3 बार पीछा करा बट सब कुछ तब तक सॉर्टेड हो जाता है बट आज मैंने बिल्कुल क्लियर देखा है अपनी आंखों से सो मैंने आपको तब बुलाया है अच्छा तब बुलाया हाँ जी भैया तो आप पंजाब से दिल्ली यहाँ पर आए हाँ जी भैया ठीक है तो आपने कहाँ देखा है उनको मैं पार्क में इसी पार्क में भी कहाँ पर देखा आपने थोड़ा उस साइड भैया उस साइड देखा आपने कोई नहीं तो गाइस इनकी शादी को अभी 2 साल बताया 2 साल हो गया और इनकी वाइफ किसी और के साथ लगी पड़ी है तो लाइव एक्सपोज आज आप करने वाले लाइव एक्सपोज आपको दिखाएंगे बंदा भी है ना यहाँ पे हाँ जी हाँ जी लाइव एक्सपोज दिखाएंगे आपको क्या है क्या नहीं है तो एक बार अपनी वाइफ के पास ले जाओगे और वाइफ को सीधे पकड़ना पता नहीं कैमरा लगा होगा ठीक है ठीक है उसके बाद देखते क्या है क्योंकि माइक हम लगा लेते हैं माइक रहेगा तो वो दिक्कत करेगी समझ ना जाए तो चलो चलते हैं तुम्हारी वाइफ के पास आप भी हमारे क्या चल रहा है तुम लोग भाई भाई मार का सरा भाई भाई मार का सरा भाई उसकी बीवी है तू क्या कर रहा है इसलिए मैं पैसे देके मिलने आया था भाई पैसे दे मैडम क्या कर रही हो यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्या है कुछ तो कर रही हो यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हम काफी देर से तुम्हारे हस्बैंड हमने बुलाया हस्बैंड ने हमें बुलाया हम इसका दोस्त है तुम कुछ कर रही हो इसके साथ फटाफट जंगल है फ्रेंड है इसका सही बोलूं मैं सच बोल फ्रेंड तो नहीं है ये तेरा ये मना कर रहा है बता कुछ भी नहीं हो रहा है तुम समझ कितने पैसे दिए तुमने इसको देखा यार 5000 रुपए दिए वो सुना है वो कह रहा है पैसे दिए क्या कर रहा है वो झूठ बोल रहा है झूठ नहीं 5000 रुपए दिए भाई मिलने के भाई वो झूठ बोल रहा है तू जानता है इसको भाई नहीं मैं अभी फर्स्ट टाइम मिलूं भाई किसी के थ्रू आया तू इसके मिलने नहीं भाई कि तू कैसे बात कर रही है चुप हो जा शांत हो पहले इसको शांत ही कर देते ना
देख रहा तेरी भूत बना दूंगा पहले कैसी है मुझे नहीं रहना अब इसके साथ इधर 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 भाई पेड़ में क्या कर रहा है 5000 रुपए हैं भाई मिलने सही बोल रहे भगवान भाई 5000 रुपए भाई भाई उसका हस्बैंड है हस्बैंड वाइफ है किसने बताया नहीं था भाई मेरे को भाई इसका हस्बैंड है नहीं बताया था नहीं भाई नहीं बताया था मैडम बोलो कह रही है रुको ये कर क्या हस्बैंड है तेरा क्या ये क्या कर क्या रही है यहां तुम है सीधा कर देंगे सही बोल दे अपने हस्बैंड धोखा क्यों दे रही है यार तू तो नागिन है लाइव पकड़ा है जंगल में आते हुए अरे ऐसा कुछ भी नहीं तो जंगल में कर क्या रही है तो बता दे मेरी बात जंगल में कर क्या रही है इसलिए तो भाग दे तो मिलने में जंगल पेड़ के पीछे क्या कर रही है तू फ्रेंड है मेरा फ्रेंड तो वो तो मना कर रहा है ऐसे कंधे पे हाथ रख वो झूठ क्यों बोलेगा झूठ बोल रहा है भाई वो 5000 रुपए दिए उसने तुझे किसने दिया 5000 रुपए पैसे नहीं दिए उसने मुझे झूठ मत बोल भाई अपने हस्बैंड को समझा ले तो मैं सुन लेगी अलग से रोने से मैं समझ नहीं समझा सकता मैंने नहीं रहना इसके साथ सही बोलते भगवान ऐसे क्यों बोल रहे हो मैंने कुछ भी नहीं किया सब अपनी आंखों से देखा यार मैंने मतलब ये पागल दिख रहा है क्या शरीफ है तू कर नहीं समझ जंगल में सबसे कुछ साइड बहुत कम लोग आते हैं और तू पेड़ के पीछे लगी पड़ी है कुछ नहीं कर रहे थे तो कोई और बाहर मिल जाती ना तो दोस्त है तो ये जंगल में क्या कर रही है ये ना ऐसे हमने खुद 2 मिनट 5 मिनट देखा खड़े होकर ये ना प्यार से नहीं बोलेगी इसको ना खुराक पानी इसकी ना खाल सही तरीके से बता दे भगवान है पुलिस से ही बुलाऊंगा तेरा हस्बैंड यही पुलिस बुलाएगा सही बोलता है इज्जत से तेरा भूत बनाएंगे तरीके से अपील कर दो मैं खुद कंप्लेंट करूंगा तुम्हारे खिलाफ पता है कैसे बोलेगी कैसे बोलेगी बोल क्या कर रही थी यहाँ पे जल्दी बोल ना बोलना क्या कर रही थी जानती नहीं हम कौन है अगर हम आ गए अपने पे ना सही वाली तेरे उतार देंगे और हमारे पास सबूत भी है तेरा याद रखियो कौन है ये लोग वो जो भी है किनको देखा है कुछ भी नहीं है ऐसा मैं सब देखा है यार हमने फ्रेंड्स ऐसे नहीं होते यार देखा है सब देखा है ढंग से बोले सब देखा है ये सब झूठ बोल रहा है इसको ना इसको रगड़ने दो उसे क्या मिलेगा झूठ रगड़ने दो इसको ये तब बोलेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है सब झूठ बोल रहे हैं लठवट दो ये बहन तू जानती है हम कौन है इधर आ वो देख सामने पीछे देख वो देख कैमरा है और उस कैमरे इधर 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 अब इधर मेरा कैमरा ढंग से ढंग से कर क्या रही है बता दे कर क्या रही थी ये बता दे कर क्या रही थी ढंग से बता दे कैमरा करवा दो वो बंद है पर ढंग से वो बंद हो गया तू बता क्या सीन है हां बंद हो गया बंद हो गया कैमरा बता आप क्या कर रही थी बता क्या कर रही थी 5000 रुपए क्या बुलाया था इसको मिलने बुलाया मिलने ये काम है जोर जोर से बोल मेरे को सुनाई नहीं दे रहा काम है तेरा यस एंड नो बस ये बोल दे हां या ना वो तो चुप है तो हां सुन ले भाई तेरी वाइफ क्या करती है देख लिया शादी क्यों करी जब यही काम करना था तुझे 5000 रुपए में बोल ना बंदा क्या अंदर अब याद रख ये तो जाएगा शांत तू भी जाएगा अंदर अब तू भी अंदर जाएगा इसने बताया नहीं था भाई कोई नहीं तू जाएगा अंदर आ रहे हैं ना 5000 शादी क्यों करी 2 साल हो गए तुझे दिल्ली शिफ्ट लेके पंजाब से लेके आया और यहाँ के रंग देख के तू बदल गया जंगल में तू किसी के साथ चली 5000 रुपए में पैसों के लिए कुछ कमी कर रहा है वो इसको ये बताओ तुम ऐसे नहीं इसके साथ हमने क्या करा है वो थोड़ा बताओ इसको पूरी वीडियो हुई है रिकॉर्ड तेरी और हम ले जाएंगे जो काम कर रही है ना जो तू काम कर रही है जो हाथ नीचे कर ले पता है नीचे कर ले वरना तू सीधे पुलिस स्टेशन जाएगी या तो सीधे पुलिस स्टेशन प्लीज ऐसा मत करो यही होगा और कुछ नहीं होगा तू पुलिस स्टेशन हमने तेरे से पूछा कि हमें कैसा करना है या तूने हमसे पूछ के करा था कि तू क्या कर रही है बोल ना और भाई अभी ना पुलिस स्टेशन ले जाना कुछ हाँ बिल्कुल ठीक है मुझे भी डिवोर्स चाहिए मैंने डिवोर्स तू देगी और तू भी चलेगा इनको लेके जाता हूं आपके पीछे से प्लीज ऐसा मत करो मैं समझ रहा हूं मैं सब छोड़ दूंगी कुछ नहीं छोड़ेगी तू मुझे बस क्या करेगी एक बात बता गाइस एकदम को भी सीधी नहीं होती शक्ल दिखाओ तो शक्ल दिखाओ शक्ल मुंह दिखा के बात देख लेना उनकी शक्ल और गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो लक्की को लेके चलते हैं अभी लेके चलते चलो अपना काम अच्छे से जानते हैं चलो चलो भाई